नमस्कार, एग्री कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एग्री कमोडिटी की अगर हम बात करें तो पिछला हफ्ता काफी मिक्स रहा है, जहां हमने देखा कि कैस्टर के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी, करीबन 2.5% की, वहीं मैंथा आधे परसेंट की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। कॉटन में लोअर लेवल से हमने अच्छी खासी तेजी देखी है, रिकवरी देखी है, जबकि कॉटन सीड ऑयल के अंदर 6.5% की एक बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी। गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर मार्केट सुस्त था, पर डिस्पाइट दैट 2% की गिरावट गवार सीड में और 2.5% की गिरावट गवार गम में देखी। मसालों के अंदर जो बड़ी तेजी बनी थी वो कहीं ना कहीं समाप्त होते हुए दिखाई दी, जहाँ पे हल्दी में हमने 2% की गिरावट और जीरा और हल्दी, जीरा और कोरिएंडर, इनमें हायर लेवल से एक दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। फंडामेंटल साइड की बात करें तो कहीं ना कहीं कैस्टर की डिमांड अब इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं चाइना में जो कंसर्न बना था लॉकडाउन को लेकर, वो अब ओपन अप हो चुका है और आगे हफ्ते से हम लग रहा है कि डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगी। सोइंग का सीजन भी स्टार्ट है, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि प्राइजेस नहीं होने की वजह से फार्मर्स अदर क्रॉप्स में, जैसे कॉटन है या सोयाबीन है, अदर क्रॉप्स में शिफ्ट हो सकते हैं, जिसके चलते भी प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलना चाहिए। टेक्निकली मार्केट ने 7,000 का एक अच्छा सपोर्ट ले चुका है। अनरेजेंटेड 7,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 7,280 का इमीडिएट टारगेट और उसके ऊपर 7,500 तक के भी लेवल दिखा रहा है। पूरे एग्री पैक के अंदर कैस्टर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं मेहता की अगर बात करें तो हमने सोइंग के आंकड़े देखे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिला है। प्राइजेस फ्लैटिश टोन के साथ 1,080 के करीब ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली मार्केट 1,060 से लेकर 1,100 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अगर प्राइजेस 1,100 के ऊपर निकलता है तो हम लोग एक अच्छा खासा जंप देख पाएंगे, जो कम से कम 1,180 से 1,200 तक के भी लेवल दिखा दे, क्योंकि अब धीरे धीरे डिमांड भी इंप्रूव होगी। समर डिमांड में भी मेंथा का पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है। स्विंग में कमी है, केमिकल या सिंथेटिक मेंथा की जो बात करते हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे भी कमी आते हुए दिखाई दी है 62 के एंड से, जिसका प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है उसके बाद हमने देखा इंटरनेशनल में कॉटन के भाव में तेजी आई है, जो 144 सेंट तक का लेवल दिखा दिया है। नो डाउट स्विंग के अटकलों के चलते हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर अपसाइड में थोड़ा दबाव भी है, बट डिस्पाइट अगर हम देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी प्राइजेस 44,000 के करीब ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंसर्न है स्विंग बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते प्राइजेस में थोड़ा दबाव बन सकता है, बट जो कैरियर स्टॉक और जो स्टॉक पोजिशन है वो टाइट होने की वजह से कोई बड़ा फ्री फॉल जैसा सिचुएशन नहीं दिख रहा है। टेक्निकली ओवरबॉट जरूर है, तो 41,000 तक का एक पुलबैक कभी भी दिखा सकता है, उसके लिए संभल के रहिए। वहीं कॉटन सीड ऑयल के में एकाएक हमने 3,000 का लेवल तोड़ने के बाद 150 पॉइंट की गिरावट देखी है, ये थोड़ा कंसर्निंग है। बट अगर हम खल की बात करें और कंपेयर करें अदर खल से, तो काफी सस्ती है एज ऑफ नाउ, क्योंकि प्राइजेस में बड़ा करेक्शन ले चुका है। आई थिंक टेक्निकली अगर 2,800 तक का भी लेवल मिले तो वहां पे एक बाइंग इनिशिएट करके चलनी चाहिए, काफी अट्रैक्टिव लेवल पे अभी खल पहुंच चुकी है। गवार कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें उम्मीद है कि इस बार स्विंग की एरिया में कमी आएगी, क्योंकि नॉर्थ में ऑलरेडी कॉटन की स्विंग बढ़ना ही चालू हो चुकी है। प्राइसिंग पिछले साल से बढ़ी जरूर है, बट एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप काफी कम है, जिसकी वजह से फार्मर का रुझान अगले क्रॉप्स में रहेगा। हमने देखा यूएस ने भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की बातें की, जिसके बाद एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। रुपए में गिरावट के चलते भी एक्सपोर्ट डिमांड में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है आगे जाकर भी, जिसके चलते गवार सीड गवार गम दोनों को सपोर्ट मिलेगा। अगले हफ्ते के लिए थोड़ा पैसिमिज्म है, क्योंकि 2% की जो गिरावट आई है ये कहीं ना कहीं रिजेक्शन बता रहा है, तो 62-62-20 के करीब मिलने पे लेके चलिए, 65-50 का टारगेट रहेगा। वहीं 12,100-150 के करीब गवार गम लेके चलना चाहिए, जो 12,650 का लेवल तोड़ के 12,700 तक का लेवल दिखा दे, बट अगला हफ्ता थोड़ा साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है। मसालों में हमने पहले भी कहा था कि जीरा और धनिया से थोड़ा बच के चलिए, बट पिछले हफ्ते में जो हमने देखा कि हाई टेम्परेचर की वजह से अराइवल में काफी बड़ी गिरावट थी और इकोनॉमी ओपन होने की वजह से डिमांड मिली थी, जीरा धनिया दोनों ही तेज लग रहे थे, बट हाई लेवल से अभी रिजेक्शन हुए हैं, जो बताता है कि प्राइजेस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रह सकता है। तो टेक्निकली 21,850 का सपोर्ट जीरे के लिए रहेगा, वहां पे फ्रेश बाइंग इनिशिएट करके चलना चाहिए, जबकि 11,900 तक का लेवल हम कोरिएंडर में देख पाएंगे, वहां पे फ्रेश बाइंग रहेगी, बट शॉर्ट से थोड़ा बच के चलिए। अब मार्केट में धीरे धीरे पोजिशनिंग बाय साइड की रहेगी। हल्दी लॉन्ग टर्म के लिए काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, 8,500-8,600 मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज 9,000 के ऊपर प्राइजेस 9,200-9,500 के बीच में रहेगा। सोइंग एक्टिविटी स्टार्ट है, बट उम्मीद जताई जा रही है सोयाबीन, कैस्टर और कॉटन में सोइंग जा सकता है, जिसके चलते एरिया इस बार कम रहेगा। एक्सपोर्ट डिमांड रुपए की गिरावट की वजह से अच्छे रहने की उम्मीद है, तो हल्दी भी अगले हफ्ते के लिए 8,800 पे लेके चलिए, 9,050 का लेवल तोड़ने पे 9,350 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। वॉलिटी के पॉइंट से देखें तो हल्दी, जीरा और धनिया तीनों में ही हम अच्छी वॉलिटी आते हुए देख पाएंगे। पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें कैस्टर और कॉटन सीड ऑयल केक, ये दोनों कमोडिटी में एक अच्छी तेजी का रुख आता हुआ दिखाई देगा, जबकि गवार सीड गवार गम में साइडवे प्राइजेस रह सकते हैं। धन्यवाद।
अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।